की कौन है ये माला रजा का गैबादी रजा की कौन है ये माला रजा का गै जिसम से देखिए वो जिसम से देखिए वो इलाका रजा का गै। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? मैं मुफ्ती साहब बोल रहा हूँ श्रीनगर से। जी कौन मुफ्ती साहब? मैं श्रीनगर से मकसूद भाई बोल रहा हूँ, नूर हसन भाई से बात करना है। अच्छा, मकसूद भाई बोल रहा है श्रीनगर से। जी जी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। जी अच्छा अच्छा, सुनिए एमपी बरेलवी या कोई और? मैं तो बरेलवी हूँ भाई साहब। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए हजरत। हजरत मुझे आपसे ये एक दरखास्त था, जैसे कि आप बात करते हैं लोगों के साथ, तो हमारे आला हजरत को बुरा भला बोलते हैं, गालियां भी निकालते हैं, ये जो है सुन के बड़ा दुख होता है। जी। इतने बड़े बुजुर्ग हस्ती को मतलब इन जाहिलों से गालियां सुनना पड़ रहा है आज के डेट में। जी। तो बड़ा दुख होता है इस बात को। इन लोगों ने जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा, तो फिर ये आला हजरत को क्या छोड़ेंगे? हुजूर गौसे आजम को नहीं छोड़ा, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को नहीं छोड़ा, तो फिर ये आला हजरत को क्या छोड़ेंगे या हमें क्या छोड़ेंगे हजरत? इसमें ताज्जुब की बात क्या है? नहीं वो तो बात है, लेकिन बहरहाल वो इनकार कर रहे होंगे पहले से भी, लेकिन मतलब ऐसे जाहिराना तौर पे सुनने को नहीं मिलता था, अपने कानों तक ये आवाज नहीं आती थी। एक मिनट, सुनने नहीं मिलता था, कानों तक आवाज नहीं आती थी, इसीलिए तो सब आदि देवबंदी बनते चले जा रहे हैं। तो वो तो है ही है, उनका तो नशा भी वही है। हजरत इसी के लिए तो मैं ये काम करता हूँ, ताकि जो इनके अंदर की कैफियत है, अंदरूनी कैफियत इनकी, वो जो है आवाम के सामने आना चाहिए। वही तो मैं पर्दे के सामने लेके आ रहा हूँ, पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे पर लेके आ रहा हूँ। जी जी जी, इनके कोई आगे देखिए देखिए, सुनकर आपको बुरा लगा या नहीं लगा? बहुत ज्यादा बुरा लगा, हत्या के बहुत ज्यादा बुरा लगा, तकलीफ भी लगा और बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो गई। अब जो जो इनको देखेगा कि ये देव का बंदर ऐसे है, ये गुस्ताखे रसूल है, ये गुस्ताखे अलिया है, तो क्या इनकी जमात में जाएगा कोई? नहीं। एक और आपके जम्मू कश्मीर से कॉल आ रहा, रिसीव करता हूँ। जी हजरत, आपके जम्मू कश्मीर के भाई है श्रीनगर से, आपको लाइन पर जोड़ता हूँ। जी हजरत फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह हजरत। जी हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है यूसुफ भाई। चलो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे हजरत। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। एक पाकिस्तान का एक इंजीनियर है, वो जानता हूँ, हाँ जानता हूँ, शैतान है वो। शैतान कहता है कि तुम्हारी किताबों में लिखा है कि कश्ती रसूलुल्लाह बाकी यानी वो हिकायत औलिया जो है, तज़किरा औलिया तो वो बाली जी बुस्तानी रहमतुल्लाहि तआला के मुतालिक बकता है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आता है कि वो ये क्या कहता है। मैंने वो खुद भी हश्त बहश्त जो है ना, हाँ, वो ये जितने भी है शैतान आधे से ज्यादा झूठ बोलते हैं, और जो बात होती है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। असल में उसको हमारे साथ बहुत हसद है, अहले सुन्नत वल जमात के साथ। जी। तो इसीलिए वो बगता है बदबख्त। जी। तो बाकी जो है वो बाकी जो बदमजगी है वो देवबंदी वगैरह उनके साथ वो अच्छी तरह अच्छा सलूक करता है, उनका भी कहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में 73 तबके होंगे, 73 फिरके होंगे, 73 जमाते होंगी, मगर उनमें एक ही हक पर है, बाकी 72
جہنمی ہے وہ سب آپس میں ایک ہے جی اللہ ملت واحدہ وہ سب آپس میں ایک ہے وہ سارے ایک ہی ہاں وہ سب مل کے رہتے ہیں اگر ملاپ کسی کا کسی سے نہیں ہوتا تو وہ ہے اہل سنت والجماعت اور اس دور میں جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سنی این سی بریلوی چاہے وہ دنیا بھر میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو ٹھیک ہے وہ صافی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا حنبلی سے یا پھر مالکی سے یا حنفی سے کہیں سے بھی دعوت کے ساتھ آپ کو کیسا محبت ہے یا کیا دعوت اسلامی کے ساتھ دیکھیے دعوت اسلامی کی جو صحیح چیزیں ہیں میں اس کو غلط نہیں کہتا مگر جو غلط ہے ان کو میں غلط کہتا ہوں غلط یہ کیا انہوں نے دیکھیے کوئی زیادہ نیک ہو جائے تو کیا اس کو ہم اس کے لیے زیادہ کچھ تعریف کرنے لگے کیا تعریف میں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا الیاس اتر قادری صاحب کے نام کے آگے کیا یہ لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے نا غلطی ہے نا میں بالکل اس کو فالو نہیں کرتا دوسری بات میں جو کہتا ہوں وہ ایک سے لے کے ایک کروڑ کے بجے میں کہہ سکتا ہوں جو غلط ہے وہ غلط ہے جس کا دل چاہے بات کرے مگر میں بے وجہ کی جو ہے نفرت میں رکھتا ہوں اور جو علماء کا کام ہے میں علماء پہ چھوڑتا ہوں میں اس میٹر میں نہیں پڑھتا جو میرا کام ہے وہ کرتا ہوں دوسری بات کہ الیاس اتر قادری صاحب کے کوئی مرید یا کوئی ان کے چاہنے والے حج کے لیے گئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچے وہاں جو ہے درود و سلام پڑھا تو حضور نے فرمایا کہ میرا سلام الیاس اتر قادری صاحب کو کہہ دینا حضور نے فرمایا ہاں تو وہ بھول گئے کہہ نہیں سکے تو پھر وہ کسی دن جو ہے وہ اپنی ٹی وی کھول رہے تھے انہوں نے جب ٹی وی کھولا تو ماں اللہ حضور ٹی وی پر آ گئے اور کہنے لگے کہ الیاس اتر قادری صاحب کو تم نے میرا سلام نہیں کہا تو میں تو ان کو سمجھتا میں اس کے بھی خلاف ہوں جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ سلام پڑھتا رہتا ہے وہ روشے اعظم کا نام بار بار لیتا ہے بہرحال دیکھیے میرا وہی موقف ہے جو میرے حضور تاثر شریعہ کا ہے ٹھیک ہے ہاں میں نہ انہیں کافر کہتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں جو لوگ صحیح ہیں اس میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے اور جو گالی گلوچ والے ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو فالو نہیں کرتا دعوت اسلامی میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو پورا بات سے بچتے ہیں ٹھیک ہے میں ان لوگوں سے میں تعلق رکھتا ہوں بات چیت کرتا ہوں اور جو بدتمیزی کرتے ہیں جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کرتے ہیں میں ان سے نہیں بات کرتا جس سے غصہ کی ظاہر ہو جائے گی اس سے نفرت تو کرنا ہی ہے جو میرے اعلیٰ حضرت سے کٹا جو میرے تاج شریف سے کٹا وہ گیا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا اس سے میرا اعلان ہے جگہ کیونکہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا جی جی اللہ تعالیٰ آپ جیسا جذبہ مجھ کو بھی عنایت فرمائے بس یہی میرے لیے دعا کرنا ہے آمین آمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش ہمارے فرمائے تو بھائی جان دیکھیے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایسا کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے میں کوئی پتھر کا نہیں ہوں میرا دل بڑا مطلب نرم ہے یہ جو بریلی ہوتے ہیں آگے جو ایمان کو ہوتے ہیں در حقیقت بہت ہی نرم اور نازک ہوا کرتا ہے میں ایک بات ہے مجھے نور حسن بھائی سے ہزار درجہ برابر کی ہے تو اس کا عقیدہ میرا ہی جیسا عقیدہ ہے بالکل بالکل تو جو اس نے کل بات کہی کہ کچھ لوگ ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں سخت نفرت کرتا ہوں
बिल्कुल बिल्कुल। तो ईमान वाला वही होता है जिसका ईमान जो खुल कर कहे कि मैं ये हूँ, यानी जिस मतलब पर हो। अगर कोई देवबंदी भी होगा, देवबंदी अगर ये कहेगा कि मैं देवबंदी हूँ तो मैं उसको ठीक समझता हूँ इस बात पर कि वो सच कहता है, वो सच कहता है अपनी देवबंदी, यानी वो खुलकर कहता है कि मैं ऐसा हूँ। और मैं भी ऐसे लड़कों से, मैं भी ऐसे लोगों से खुल के बात करता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों से बात करने में। हाँ मैंने मैंने कम से कम उसने मुनाफी तक तो नहीं दिखाई ना, खुल के कह तो दिया ना कि मैं इस मसले से ताल्लुक रखता हूँ। जी 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 हाँ, वरना बड़े लोग तो कलर बदल के आते हैं। अच्छा अच्छा, ये नूर हसन भाई जी, ये जो है ये हजरत ये कहाँ के हैं जरा इनसे मालूम कीजिए। मैं श्रीनगर में रहता हूँ, अगर हो सके तो मैं इनसे मुलाकात करना चाहूँगा। अच्छा बल जानते हैं आप जी? अच्छा बल जानते हैं? अच्छा बल, अच्छा बल जानता हूँ। ये हजरत यूसुफ भाई आप कौन सी जगह रहते हो, अच्छा बल या कहाँ या ये सुफियान? मैं रहता हूँ शोपियन में, एक गाँव है उसको कहना नहमा जो है नहमा। अच्छा अच्छा, तो आप बराबर से ही हो, थोड़ा सा फासला है। नहमा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा, ये जो भाई है ये श्रीनगर से, आपके आपके आगे से, ये कश्मीरी है? कश्मीरी है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कश्मीरी नहीं हूँ नूर हसन भाई। अच्छा, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, असल में मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, यहाँ पे बिजनेस करता हूँ। अच्छा, वहाँ बिजनेस करते हैं? क्या करते हैं बिजनेस? जी, यहाँ पे ये गर्म कपड़े का काम होता है, उसी सिलसिले में मैं कुछ काम करता हूँ होलसेल के तहत। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। नूर हसन भाई जी, इस वक्त मुझे इजाजत दे दो, मुझे थोड़ी सी काम है। अच्छा अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सलाम। ये जो है नूर हसन भाई जी, ये थोड़ा दूर है श्रीनगर से, सुफियान यहाँ से है 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है ये। हाँ हाँ, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, ये कोई दूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये सुफियान दिल्ली में पड़ते हैं, हम खास श्रीनगर में ही डाउनटाउन में ही रहते हैं। अच्छा 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 जी जी, चलिए आपसे बात हो गई, बहुत दिन से मेरा तमन्ना था कि हसन भाई से थोड़ी बात मैं भी करूं। ये आपकी मैं काफी वीडियो सुनता रहता हूँ यूट्यूब से। अच्छा, तो दिल में ज्यादा हुआ था कि कभी दुआ सलाम हो जाए एक बार। अच्छा, तो इसी सिलसिले में मैं आपको फोन किया था। दरअसल कल जो है मैं एक वीडियो सुना या परसों, अच्छा, तो उसने एक देवबंदी जो है गालियां निकाला, तो हकीकत में बताओ मुझे बहुत ज्यादा दुख हो गया, बहुत तकलीफ हो गया जी। ऐसा मेरी कान में सुना नहीं था जी 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 जी, लेकिन ये जो है जो उन्होंने गालियां निकाला तो मुझे बहुत दिल में तकलीफ हुआ, तो मैंने सोचा थोड़ा नूर हसन भाई से बात करते हैं, सिलसिले में कुछ देंगे हमको भी तसल्ली या कुछ समझाएंगे जी। तो मैं हजरत इसीलिए काम करता हूँ ताकि इनके अंदर की जो बदतमीजी है, इनके अंदर का जो जहर है वो बाहर आए जी। हाँ जी जी जी, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी कल परसों के न्यूज में एक अहमदाबाद के हजरत थे वो सुन्नी बरेलवी थे जी, कोई खातून जो है उनके ऊपर थाने में केस भी किया है, और वो बोल रही थी आज के इंटरव्यू में कि उनको मैं अदालत तक लेके जाऊंगी, इस तरह की बातें वो कर रही थी। कुछ भी नहीं होगा, हम किसी के खिलाफ, हम किसी के खिलाफ ऐसा नहीं बोलते कि किसी को हम मारने की धमकी दें, क्या अदालत में जाएगी है? जी जी, वो मतलब मुझे लगा कि उसका बिल्कुल अकल नहीं है ना इलम है मजहब इस्लाम के तहत, अकल से पैदल है जी। अब इन शैतानों के पास, अब इन शैतानों के पास कोई आलिम नहीं बचा, तो अब औरतों के जरिए से काम करेंगे ये। जी जी जी, यही बात मैं आपको बोलना चाह रहा था, इनके अंदर कोई मर्द नहीं है जो इनसे आगे बात करे हमसे या हमारे उलमाओं से बात करे। औरतों को, औरतों को आगे किए हैं, वो औरत जो है बकवास कर रही थी, मैंने उसका वीडियो से मैं डिस्क्राइब करके उसके वीडियो को काट दिया। अच्छा, एक और कॉल आ रहा है, रिसीव करता हूँ। हेलो जी, वालेकुम। आप जो हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा थोड़ा सा।
जी कौन भाईजान? अरफात आमीन। अरफात आमीन, हाँ अराफात आमीन, अराफात अराफात, हाँ। अच्छा कहाँ से भाई? बंगाल से। अच्छा बंगाल से जी, आपका मतलब? आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, हाँ। अच्छा मसल के आला हजरत, आला हजरत का रास्ता मसलक तो आने भी है, मसल के आला हजरत बेल भी। असल असल है मसलक का माना है, मसलक का जो मतलब है रास्ता है, रास्ता, हाँ आला हजरत से है, हाँ। तो जो रास्ता आला हजरत का है हम उसी को बोलते हैं कि मसलक के आला हजरत, हम आला हजरत के रास्ते पर है। हाँ हाँ हाँ। आपको मतलब बहुत धुलाई कर रहे हैं ना, आपका YouTube देख रहा हूँ तो। अच्छा हजरत, हाँ दियाबंदी का। अच्छा अच्छा शुक्रिया, हाँ। यहाँ कुछ बिगड़ जाता है ना, उन लोगों को फॉलो करके करके मेरा यहाँ कुछ रन बिगड़ गया। अच्छा उन लोगों को बोल रहा हूँ, उन लोग गलत है गलत है, अब भी नहीं मान रहा है। अच्छा हाँ, तो आपका YouTube देख देख के मुझे कुछ सीखने को मिला। अच्छा हजरत, है कि नहीं? तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। हम लोग तो झूठा है, इतना झूठा है उन लोग जी, झगड़ा लग जाए है मुझे उन लोगों से मेरा। अच्छा उल्टा सीधा बोल रहा है, बोल रहा है नबी मर गया, ऐसा ऐसा बोल रहा है। बताइए क्या कोई अपने, क्या कोई अपने बाप दादा को बोलता है ऐसे? बताइए अपने बाप दादा को कोई बोलता है ऐसे क्या? नहीं बोला, मेरे बाप दादा नहीं बोला। हमारा वो पूरा गांव है ना, सुननी है सुननी पूरा। हाँ हाँ हजरत, क्या कह रहे हैं? मतलब बोल सकता हूँ हसन भाई, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है हजरत, ठीक। अच्छा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला जी, भाई जान फरमाइए। और तो हमारे यहाँ तो पूरा ये सुननी है, लेकिन कुछ कुछ जो ये है ना, तारिक जलील काफी नायक टैंक, इन सब इन लोगों का काफी नहीं कहता हूँ मैं। हाँ इन लोगों का बात सुन सुन के उन लोग उलझा जाता है, लग जाता है और समझ नहीं पाता है कौन हाथ पर है क्या है ऐसा जी। हाँ तो आपका वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा कुछ मैंने सीखने को मिला, इसलिए फोन नंबर देखा आपका तो फोन किया आपको। अच्छा अच्छा, आपसे अच्छा लग रहा है बात करके, मतलब जो अच्छा होता है ना मुझे उससे अच्छा लगता है बहुत। जज़ाकअल्लाह। और अभी उन लोग जो यूट्यूब पे दियाबंदी जा गया साहब, फोन पे बात कर रहे हैं जो? नहीं नहीं सुन्नी भाई थे, दो थे दोनों, मतलब आगे पीछे करके गए सुन्नी भाई। मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा उन लोगों का, उन लोग जानबूझ के जानता है फिर भी उन लोग यहाँ उन लोगों को फॉलो करता है। जानबी तो करते हैं, अबू जहल जानबी तो अबू जहल था, गलत है। अबू जहल जानकारी तो अबू जहल था भाई जान। हाँ वो तो बात मान रहे, लेकिन दिमाग दिया है ना आप, जो गलत है तो गलत ही है ना। अल्लाह ताला जब दिल देता है तो अकल छीन लेता है, ये भी ध्यान में रखना। हाँ हाँ वो तो बात सही है। हाँ हम लोगों का अल्लाह बचाए इन लोगों से जी। हाँ आप इसी तरह काम करते रहिए इंशाल्लाह, हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ भी करते रहेंगे। आपका घर मुंबई है क्या जी हजरत? आपका घर मुंबई है? मुंबई नहीं नहीं नहीं, हमारा घर यूपी रामपुर। यूपी रामपुर है ना जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, हमारा इधर कभी। अच्छा बंगाल बंगाल, चलो ठीक है देखा जाएगा। चलो ठीक है फिर हजरत, अच्छा ठीक है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।